Hi, this is Faizan Najeeb with Jubilee Befikar Moment of the Match. और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नवीन उल हक. कराची में बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं और पेशावर जलमी ने आज कराची किंग्स को हरा दिया. नवीन, एक तो आपकी पेस की वैसे तारीफ करनी पड़ेगी और द वे पेशावर जलमी हैज बीन प्लेइंग, किस तरीके से देख रहे हैं आप पेशावर जलमी की आगे की जर्नी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाँ, जिस तरह का मोमेंटम हमारा बन चुका है अभी लास्ट सिक्स गेम्स का, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है. टीम में कॉम्बिनेशन बन चुकी है, मोमेंटम जैसे मैंने बोला पीक हुआ है राइट टाइम पे. जितना भी आपके कॉम्बिनेशन और मोमेंटम एंड ऑफ द टूर्नामेंट पीक करता है तो उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है. तो होपफुली हमारे प्लेऑफ में दो चांसेस है अभी, और पहले में ही अवेल करें और फाइनल तक पहुँच जाए तो यही दुआ रहेगी टीम के लिए और चीयर करेंगे अपनी टीम को. टीम की बात तो कर ली, आपकी ऐसा बोलर भी बात करेंगे. आपके अंदर है ना वो पुराना 90s वाला जो पेसर अग्रेशन होता है वो दिखता है जब आप बॉलिंग करा रहे होते हैं. आजकल हमने देखा है बॉलर्स थोड़े फ्रेंडली भी हो गए हैं बैट्समैन के साथ, सो हाउ डू यू सी दैट? नहीं, मैं भी काफ़ी फ्रेंडली हूँ, पर अगर बैटर चक्का या चौका मारे फिर अगर आउट करे तब एग्रेशन बाहर निकलती है, वरना मैं भी बहुत फ्रेंडली. अच्छा, फ्रेंडली की बात करें, आपके इंटरव्यूज में भी हम देखते हैं या ग्राउंड में भी देखते हैं आपकी सीरियस साइड थोड़ी ज़्यादा दिख रही होती है, तो ये आप कुछ छुपा रहे होते हैं पीछे या यही रियल है? नहीं नहीं, जो रियल है वही दिखाना चाहता हूँ, पर जिस तरह का मैं ग्राउंड में हूँ उस तरह का मैं आउट ऑफ द फील्ड नहीं हूँ. पर लोगों को वही दिखता है जो आप इन द फील्ड होते हो. इन द फील्ड तो आप हंसते हंसते खेलते नहीं हो ना, आप अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो, लड़ रहे हो, जीतने की कोशिश कर रहे हो. बट एज सून एज हम उस रोप के उस साइड पे आ जाएंगे तब माहौल डिफरेंट होता है हमारा. तो रोप के उस साइड का कुछ माहौल बताएं, वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे काफ़ी गपशप लगती है सारे अपने प्लेयर्स के साथ, अपोजिशन के प्लेयर्स के साथ. आज हम एक टीम में खेल रहे हैं, कल दूसरी टीम में अपोजिशन बनते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में. जो आज हमारे अगेंस्ट खेल रहा होता है कल उसके साथ एक टीम में होते हैं, तो काफ़ी चिल माहौल रहता है. बार तो इससे कोई रिश्ते बदलते हैं? नहीं नहीं, रिश्ते अंदर नहीं बदलते, रिश्ते बस बाहर ही रखते. अच्छा, आज के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, क्या था जुबली बेफिकर मोमेंट ऑफ द मैच? आई थिंक जिस तरह बाबर आजम ने थ्रू आउट द इनिंग्स खेले, मतलब टीम को कैरी किया, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, पर इस पिच पे अगर 50 बाबर भाई ने नहीं बनाई होती तो हमारा टारगेट 148 तक नहीं पहुंचता. तो आई थिंक क्रूशल मोमेंट वो था, और जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कमबैक किया और जिस तरह फिनिश किया गेम, क्रूशल पॉइंट मोमेंट्स पे विकेट हमें मिली, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे साइड पे लकीली आई थी. बाबर से इंटरेक्शन कैसा है, उनकी कप्तानी में कैसा फील कर रहे हैं खेल के? काफ़ी चल रहे, जिस तरह मैंने बोला है काफ़ी इंटरव्यूज़ में अभी PSL के दौरान, पहली बार है उनके कैप्टनसी के अंदर खेल रहे हो या उनके साथ एक टीम में, तो काफ़ी चेल्ड है. ड्यूरिंग करंट सिचुएशन ऑल्सो जितना भी प्रेशर मोमेंट हो अपने बॉलर्स को दिखाता नहीं है, वो प्रेशर शो नहीं करता है, तो जितना चेल्ड कैप्टन रहेगा उतना ही टीम पे पॉजिटिव असर रखेगा. नवीन, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया और आपकी शानदार परफॉर्मेंस और आपकी फ्रेंचाइज की शानदार परफॉर्मेंस जो है वो जारी रहे. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम जुबली बेफिकर मोमेंट ऑफ द मैच. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट गेम. जुबली इंश्योरेंस, बेफिकर मुस्तकबिल.